आईना को अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, यानी कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको निबंध और अनुच्छेद में फर्क नहीं पता होता, और वो अनुच्छेद को ही निबंध समझ लेते हैं और निबंध को ही अनुच्छेद समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद एक अलग है और निबंध अलग है। तो अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद किसे कहा जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद लिखते हुए जो उसके गुण हैं, सबसे पहले हम उनके गुणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पकड़, आपकी पकड़ होनी चाहिए, जिस पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। सेकेंडली विषय निपुणता, यानी कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, ठीक है, विषय के अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल मतलब उसके जैसा ही होना चाहिए। मान लो आप टॉपिक तो ले रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और आपने उसमें क्या लिख दिया, नोटबंदी के बारे में लिख दिया, तो वो गलत माना जाएगा। मान लो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अगर आपने अनुच्छेद लिखना है तो वो वही लिखा जाना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं आना चाहिए। फिर है प्रभावशाली भाषा। देखो बच्चों, जो हमारे मेन होता है वो होती है भाषा, कि हमारी भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आप भाषा को प्रभावशाली लिखोगे, यानी कि अट्रैक्टिव लिखोगे, तो वो क्या है, दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो पाठक जो है, अगर आपकी भाषा जो है वो प्रभावशाली है, प्रभाव डाल रही है दूसरों पर, जो पाठक है यानी कि पढ़ने वाले पर अगर वो आपकी भाषा जो है प्रभाव डाल रही है, तो इसका मतलब आपका अनुच्छेद जो है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिर आते हैं टाइप्स, प्रकार, कि अनुच्छेद लिखते हुए हमें किस टाइप में लिखना चाहिए। तो पहला है विवरणात्मक। विवरणात्मक का मतलब क्या होता है, विवरण यानी कि ब्यौरा देना। मान लो हमने जिस अनुच्छेद को लिखा है उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण देना होगा। मान लो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखा, तो आपको उसका पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा उसमें वही बातें ही होनी चाहिए। सेकेंड है विचारात्मक। विचारात्मक का मतलब विचार करने योग्य। देखो, जब पाठक आपके अनुच्छेद को पढ़े या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद को पढ़े, तो उस अनुच्छेद को देखकर पढ़कर उसके मन में विचार आए कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। मान लो आपने एक टॉपिक लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मान लो किसी ने पढ़ा उसको, ठीक है, तो उसके मन पर असर कर गया, उसके मन पर जो है वो उसका मन विचार करने लगा कि ये जो टॉपिक लिखा है ये बहुत ही सही लिखा है। फिर है भावनात्मक। देखो, भावनात्मक का मतलब होता है भावना। जब तक हमारी उसके प्रति अच्छी भावना ना हो या पढ़ने वाले के मन को छू ना जाए, तब तक वो अनुच्छेद जो है वो आपका सही नहीं माना जाता। हमारे अनुच्छेद जो है वो सही तभी माना जाएगा जब आप उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, भावना भाव आएंगे आपके, और पढ़ने वाले को भी लगेगा कि वाकई जो है ये अनुच्छेद जो है उनके मन को छू रहा है। फिर सबसे बड़ी बात कि इसकी जो शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे इसको निबंध की तरह बहुत बड़ा लिख देते हैं, हमें बड़ा नहीं लिखना, हमें गागर में सागर भरना है, यानी कि छोटे में ही थोड़े से में ही बहुत सारी बातें कह जानी है। तो शब्द सीमा, अगर मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको 50 या 60 शब्दों में लिखिए, तो आपकी वो 50 या 60 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि आप इसको 100 से 120 शब्दों में लिखो, तो 100 से 120 शब्द ही आपके होने चाहिए। शब्द सीमा का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपका अनुच्छेद जो है वो अच्छा बनेगा, प्रभावशाली बनेगा और दूसरों को पढ़ने में भी आनंद आएगा। और इसकी समाप्ति हम इस ढंग से करेंगे कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, जो ये कहना चाहते थे वो पूरा हो गया है। मानो आपने त्योहारों का महत्व लिखा, त्योहारों का महत्व आपने उसमें पहले तो त्योहारों के नाम बता दिए कि ये त्यौहार आती है, दिवाली दशहरा होली, फिर आपने उसमें से एक उठाया कि होली के बारे में आपने बताया, ठीक है, अब आप होली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, फिर अलग अलग आपने दिवाली के बारे में बता दिया और लास्ट में क्या लिखोगे कि हमारे देश में त्योहारों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हमें इसकी महत्वता को बनाए रखना चाहिए।
तो ये है बच्चों अनुच्छेद लेखन लिखते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो आपका अनुच्छेद जो है वो वाकई में बहुत सुंदर बन जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दे रही हूँ जिसकी शब्द सीमा 60 शब्दों तक होनी चाहिए और वो अनुच्छेद है मेरा शहर। अब इसमें आप क्या करोगे, आप अपने शहर के बारे में बताओगे कि मैं कौन से शहर में रहता हूँ, वहाँ का क्या है, वो सब आप उसमें अनुच्छेद में बताओगे। लेकिन उसको लिखते वक्त आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका अनुच्छेद जो है वो वाकई ही बहुत ही सुंदर बनेगा। धन्यवाद बच्चों।